मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। मंगलहाट में 13 अक्टूबर इतवार की रात एक खानदान में बाप दादा की जायदाद के तनाजे ने एक शख्स की जान ले ली। मकतूल की शिनाख्त मंगलहाट के रहने वाले धर्मेश सिंह के तौर पर हुई है। धर्मेश और 3 दीगर रिश्तेदारों बजरंग, सत्यनारायणा और तुलजाराम के दरमियान जायदाद से मुतालिक तनाज़ा चल रहा था। इससे कबल भी मुतासिरा को जायदाद के हवाले से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इतवार को बजरंग ने धर्मेश को इस मामले पर बातचीत के लिए बुलाया। उनके दरमियान झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में धर्मेश की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरा भाई है दुर्गेश सिंह, उन्होंने शाम में दोस्तों से मिलने के लिए, दशहरा मिलने के लिए गया था। दोस्तों से वो पार्टी कर ले रहे थे, वहां पर ये तीनों भी आके इसको बुलाए दशहरा में लिए और गिजगिज करने लगे कुछ बात पे। वहां पर इसके दोस्तों समझा के नहीं आते बोल के चले गए। उन्होंने इसकी गाड़ी की चाबियां ले लेके मेरे भाई आए तो इस दे तुम बोल के उनके दोस्त समझा के घर को बुला के ला लिए। फिर घर में आके पिताजी के सामने बैठ के ऐसा ऐसा हो रहा, वो लोग बुला रहे, ऐसा लड़ाई झगड़ा कर रहे, हम लोग पैसिफाई करके आ गए बोल के आके बोला। उन्होंने उसके फ्रेंड्स बात ही कर रहे, फिर ये बजरंग सिंह फोन करके बुलाया और गालियां देते हुए, गलीज गलीज गालियां देते हुए फोन में बोल रहा उसको। तो उन्हें बाहर उसको बुलाया, उसका के बाहर जाते उसको तीनों मिलके पहले दखल देके हाथ में अंगूठियां आए, उसके अंगूठियां मारने से यहाँ पर मार लगी उसको, गिर गया। गिरने के बाद फिर उठा उन्हें, जब तक ये लोग आ गए नीचे दम तोड़ दिया उन्हें, इतनी बुरी अहमियत से मारा कि उन्हें मर ही गया उन्हें। और ये तुलजाराम सिंह हाथ में कुछ तो भी ले के आया, उन्हें मारने को आया, उससे पहले ऑलरेडी इन्हें मार के उसको मार दिया। क्यों बोल तो हमारे पिताजी के बड़े भाई है जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हमारे पिताजी बड़े हैं बोल के हमारे दो भाई आके हमारे पिताजी के सामने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्वेंसी करे तो ये लोग हमारे, तुम नाना बीच में नहीं आना, बड़े हैं भाईया बुला रहे बच्चे हैं बोल के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर लिए तो पैसे दो बोल के इसको टारगेट बना के वो रिवेंज, नाना तुम बीच में नहीं आना हमारी प्रॉपर्टी में, नाना बीच में नहीं आना बोल के ये हमारे छोटे भाई को टारगेट बना के उसके ऊपर दुश्मनी निकाले तुम्हारे नाना। हाँ, इस 3 जने मिलके मारे, इससे एक बजरंग सिंह, एक तुलजाराम सिंह चेतन है उसका नाम, और एक सत्यनारायण सिंह टिंकू बोल के नाम है उसका। ये तीनों मिलके प्रॉपर्टी के वास्ते मेरे भाई को हमारे बाबा बड़े हैं बोल के लड़ लो ना, बीच में प्रॉपर्टी सॉल्व कर लो बोल के बोले तो इससे पहले भी मार के गली में लाया, नारायणपुरे पे मिलाया, मंगलहाट PS पे ऐसे 3-4 बार ऐसे करे, खूब मारे उसको। ऑलरेडी इससे पहले एक केस भी बुक है बजरंग सिंह के ऊपर, उन्हें ऐसे ही झगड़े हुए करते था, उन्हीं 307 में बुक है ऑलरेडी, उसको 307 में बुक करे, MLA को कंटेस्ट करा था उन्हें, उसके बाद में उसके ऊपर केस बुक हुआ था। वो दुश्मनी रख लेके प्रॉपर्टी पैसे के लिए ये लोग मेरे भाई को टारगेट बना के खत्म कर दिए उसको मार मार के। इससे पहले 3 खत भी ऐसे करे वो लोग, कंप्लेन करे PS में, अभी पोस्टमार्टम को लेके गए बच्चे को हमारे उस्मानिया दवाखाने को लेके गए, वहां पर डेड बोल के बोल दिए, उत्तम मारे तक उसको बुला के टारगेट करके आखिर को मारे तक छोड़े नहीं वो लोग। इससे